सर्व YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्यूबिक इक्वेशन को कैसे इजी वे में सॉल्व करें तथा कम समय में कैसे सॉल्व करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। बस फ्रेंड्स, आपको पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्यूबिक इक्वेशन के एवव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। बस फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। इस क्यूबिक इक्वेशन को फ्रेंड्स दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होगा ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड एंड दूसरा होगा आरएच क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड को मैं आगे सॉल्व करूंगा, उससे पहले आरएच क्राइटेरिया के थ्रू देख लेते हैं जिससे कि इजी वे में सॉल्व होगा इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। मतलब क्या ये इसके क्यूबिक इक्वेशन मतलब एक्स पावर थ्री, मतलब क्या इसके थ्री रूट्स होंगे। ठीक है, थ्री रूट्स होंगे इसके। एक इस फ्रेंड्स यहाँ देखें कि एक्स इवन टर्म जो है इस इक्वेशन में उसको डिविडेंड बना लें। ठीक है, क्या करेंगे, इवन पावर ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, डिविडेंड बना लेंगे। ठीक है, जैसे थ्री यहाँ इवन पावर क्या है, ये है और ये है, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर जीरो है, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। ठीक है, और इस डिविडेंड से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, इसको पूरे डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये एक्स क्यू प्लस टू एक्स, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, ये भी आल्सो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेस्ट पार्ट बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। फिर इसे वन टाइम्स के थ्रू इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, इस यहाँ जो ये डिविडेंड है और ये कोसेंट दोनों हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। क्या ये डिविडेंड और ये कोसेंट दोनों इस क्यूबिक इक्वेशन के ही सॉल्यूशन होते हैं या रूट्स होते हैं। तो क्या मैंने बोला, यानी ये डिविडेंड यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इजकल टू जीरो, यानी ये हमारे इससे दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इससे दो रूट्स निकलेंगे। फिर ये कोसेंट, ये भी इससे एक रूट्स निकलेगा, तो हमारा थ्री रूट्स दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे रूट्स निकालते हैं, तो इससे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो एक्स प्लस थ्री इजकल टू माइनस वन, यानी एक्स इजकल टू माइनस थ्री, ये हमारा फर्स्ट रूट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हमारा दो रूट्स आएगा, जो कि इस इक्वेशन का फर्दर टू रूट्स होगा, यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो, इससे हमारे दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये दो रूट्स आएंगे, तो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस सिक्स, यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस टू। इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस का होता है, एक्स स्क्वायर जब इधर जाता है फ्रेंड्स तो इसको प्लस माइनस के साथ अंडर रूट
माइनस टू, और यहाँ देखें क्या कि अंडर रूट माइनस वन को क्या लिखते हैं फ्रेंड, जे, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्या वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस टू जे, ठीक है। और एक रूट्स ऊपर आया, एक्स इजिकल टू माइनस थ्री, ये टू रूट्स माइनस थ्री प्लस टू जे माइनस टू जे, ये फ्रेंड्स ये थ्री रूट्स ये क्यूबिक इक्वेशन के निकला फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स निकला है इसका, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल था फ्रेंड्स, इसीलिए ये आरएच क्राइटेरिया दिया गया फ्रेंड्स। अब ये सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, हम लोग एक्स की इमेज, हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक्स के वैल्यूज़ को, जैसे कि मानते हैं सबसे पहले तो इसको एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन मानते हैं, फिर प्लस माइनस टू, फिर आगे ऐसे सॉल्व करते जाते हैं। तो एक्स इजिकल टू प्लस वन देख के सॉल्व करेंगे कि ये इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं, फिर एक्स इजिकल टू माइनस वन देखेंगे पुट करके, एक्स इजिकल टू माइनस पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और फिर देखेंगे इसका वैल्यू जीरो आया कि नहीं, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू माइनस अगर पुट किए, तो देखिए माइनस वन पुट किए, तो यहाँ फ्रेंड्स माइनस वन का पावर थ्री यानी माइनस वन, और माइनस वन का पावर ये अनअफेक्टेड, फिर माइनस फोर प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, जीरो पॉइंट जीरो का, जीरो इजिकल टू जीरो का सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मतलब कि एक रूट इसका क्या आएगा फ्रेंड्स, एक्स इजिकल टू माइनस वन, यानी इधर इसको लेंगे तो एक्स इजिकल टू प्लस वन, यानी एक रूट तो हमारा ये आ गया। फिर वही इसी को फ्रेंड्स एक्स को इधर लाते हैं, एक्स प्लस वन, सॉरी, तो एक्स प्लस वन को इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, जो कि मैं हम लोग पीछे देखा था, ठीक है फ्रेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे फर्दर टू रूट्स आ जाएंगे। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्स प्लस वन से हम जो इक्वेशन था उसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे फर्दर टू रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो फर्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फिर इसको माइनस एट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस एट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस एट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एट एक्स, तो ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स, करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ किए, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस ये प्लस, ठीक है, तो ये एट प्लस फोर ट्वेल्व, सॉरी एट प्लस ट्वेल्व एक्स, और रेस्ट बचा हुआ ये ट्वेल्व हमने लिख दिया, फिर ये ट्वेल्व टाइम्स हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व, तो हमारा ये फ्रेंड्स मैंने बताया था पीछे कि ये डिविडेंड और कोसेंट ये हमेशा ये
इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो पीछे फाइंड कर लिए थे, फिर ये इसके रूट्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12, ये इसके क्या है, सॉरी ये इसके क्या है, रूट्स हैं, जो कि दो रूट्स देंगे इस क्यूब के क्वेश्चन के। एक एक रूट्स तो पीछे फाइंड किए थे फ्रेंड्स, तो ये देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तो इजी वे में सॉल्व करना जानते हैं, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये तो a इजिकल टू यहाँ क्या है फ्रेंड, 1, बी इजिकल टू माइनस 8 एंड सी इजिकल टू 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए फ्रेंड्स तो हो जाएगा यहाँ 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 48 अपॉन 2, तो यहाँ 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो यानी x इजिकल टू आ जाएगा फ्रेंड क्या 6 और 2, यानी ओवरऑल इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स क्या होंगे, एक तो आया था पीछे प्रीवियस में क्या निकला था माइनस 1, एक 6, एक 2, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स हुए फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग देखे थे, देखें इसमें क्या कि ये कॉम्प्लेक्स इसमें रूट्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, इसीलिए इसे हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू सॉल्व किए। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते फ्रेंड्स, तो वो आ पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग हीट एंड ट्रायल से ज़्यादा RH क्राइटेरिया को ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट मेथड था RH क्राइटेरिया के थ्रू जिसे सॉल्व किया था, वो इफेक्टिव मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक्स।